आपने कभी झूले का अनुभव तो किया ही होगा या किसी को झूलते देखा होगा। आइए इसे हम फिर से देखते हैं। एक झूला तब तक अधिक दूर तक चलता रहता है जब तक कि एक निश्चित अवधि यानी फिक्स्ड इंटरवल पर इसे धक्का दिया जाए, और यह निश्चित अवधि झूले की स्वाभाविक आवर्तकाल यानी नेचुरल टाइम पीरियड के समान होती है। अगर हम इस निश्चित अवधि से अधिक या कम अवधि में धक्का दें तो झूला रुक जाएगा या अधिक दूर नहीं जाएगा। देखिए, जब झूला अपनी चरम स्थिति पर पहुंचता है तभी धक्का दिया जाता है। यही बात एक पिंड या वस्तु के अनुनाद पर लागू होती है। देखें ये कैसे होता है। तो अब हम अनुनाद के सिद्धांत को समझते हैं। जब भी कोई पिंड या तंत्र अपने स्वाभाविक आवर्तकाल में कंपन कर रहा हो और उस आवर्तकाल के तालमेल को रखते हुए अगर उस पिंड या तंत्र पर बाहरी बल लगाया जाए तो वह पिंड अधिक आयाम से कंपित होता है। इसी कंपन को अनुकंपन या अनुनाद कहते हैं। हमने देखा था कि झूले को उसके स्वाभाविक आवर्तकाल की अवधि में धक्का दिया जाता है, यानी झूला जब जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है उस समय उसे धक्का दिया जाता है, तो झूला और अधिक ऊंचाई पे उठता रहता है। ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि ध्वनि अनुनाद के परीक्षण में क्या होता है। अब ये देखिए, टाइम टी बराबर जीरो यानी शुरुआत में मानिए कि ट्यूनिंग फोर्क का कांटा, हम निचले कांटे की बात करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क का कांटा नीचे की ओर जाता है। उसके बाद टी इक्वल टू टी बाई फोर, यहाँ जो कैपिटल टी आप देख रहे हैं वो स्वाभाविक आवर्तकाल है। तो टी बाई फोर में, टी बटा चार में ये कांटा अपनी स्वाभाविक स्थिति पे आ जाता है। फिर टी बाई टू में ये कांटा ऊपर की ओर जाता है, हम निचले कांटे की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। फिर थ्री टी बाई फोर में ये कांटा वापस अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है, और फिर पूरे टी में यानी पूरा आवर्तकाल कब पूरा होता है, जब ये कांटा वापस पहली स्थिति में आता है जहाँ से हमने ये ऑब्जर्वेशन किया यानी इसको देखना शुरू किया। तो अब ध्वनि अनुनाद के परीक्षण में क्या होता है। ट्यूनिंग फोर्क का निचला कांटा समय टी बराबर जीरो पर वायु को नीचे की ओर धकेलता है, जिससे नजदीकी वायु में दबाव पड़ता है और वायु की परतें संपीड़ित होती हैं। ये देखिए, ये संपीड़ित परतें, यह संपीड़न एक निश्चित गति जिसको कि हम ध्वनि की गति भी कहते हैं, क्योंकि ध्वनि की गति और कुछ नहीं है, संपीड़न और विरलन का चलना। तो यह एक निश्चित गति से नीचे की ओर नली में यह संपीड़न जाता है। फिर जल की सतह से, यहाँ पर देखिए, ये जल की सतह से टकराकर यह संपीड़न वापस ट्यूनिंग फोर्क के कांटे की ओर बढ़ता है। ये वापस यहाँ से टकराकर वापस इधर बढ़ेगा। ये बढ़ता हुआ संपीड़न यहाँ पर फिर से ये ट्यूनिंग फोर्क के कांटे की ओर यहाँ पहुंच रहा है। अगर वायु स्तंभ की लंबाई कुछ ऐसी हो कि संपीड़न को जाकर यानी ट्यूनिंग फोर्क के कांटे से निकल शुरू करके
संपीड़न को जाकर लौट आने में इतना समय लगे कि उतने समय में ट्यूनिंग फोर्क का कांटा वापस ऊपर की ओर जाने लगे, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। तो संपीड़न क्या करेगा, कांटे को अपनी स्वाभाविक ऊपर की चाल में सहयोग करता है और उसके आयाम को बढ़ाता है। बस यही अनुनाद का कारण बन जाता है। और इसके लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो इस प्रकार हैं। वायु के स्तंभ की ऊंचाई x, इसको हम x मान लेते हैं। ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी x प्लस x, एक बार जाने में और फिर वापस लौटने में, तो 2x ध्वनि ने दूरी तय की। समय लगा, जैसा कि हम देख चुके हैं, ये समय लगा ध्वनि के संपीड़न को लौटने में, t बाई टू, ठीक है ना। तो समय लगा t बाई टू, इसलिए गति हुई तय की गई दूरी बटा समय, यानी 2x बटा t बाई टू बराबर 4x बाई टी। अगर ट्यूनिंग फोर्क की आवृत्ति 512 हर्ट्ज है तो t का मान होगा 1/512 सेकेंड्स। और जैसा कि हमने परीक्षण में देखा था, x का मान 0.17 मीटर, यानी 0.17 मीटर्स है। तो गति हो गई 4 × x/t बराबर 4 × 0.17 × 512। और इसी को ही हम अपने चार्ट पर इस अलग तरह से लिख देते हैं, 512 × 0.68, जो कि 348.1 मीटर पर सेकंड निकला। तो उसी बात को एक अलग तरीके से यहाँ पर हमने प्रेजेंट किया है, लेकिन जो घटना अंदर हो रही है, जो फेनोमेना घट रहा है, वो कुछ ऐसा है। धन्यवाद। अब प्रश्न उठता है कि हमारे परीक्षण में पहली बार के अनुनाद से ही ध्वनि की गति ज्ञात हो सकती है, तो हम दो बार अनुनाद की रीडिंग्स परीक्षण में क्यों लेते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। कई बार परीक्षणों में पहला अनुनाद स्पष्ट नहीं सुनाई देता, अतः दो क्रमागत यानी कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक अनुनादों से निश्चित हो जाता है कि वायु स्तंभों की यानी एयर कॉलम्स की रीडिंग्स का अंतर लैम्डा बाई टू ही है। तो ये तो एक कारण है। दूसरा कारण है, परीक्षण में जो ट्यूनिंग फोर्क होता है वो नली से थोड़ा ऊपर होता है जब हम उसको वाइब्रेट यानी कंपित करते हैं, पर ये कितना ऊपर होता है इसे ठीक प्रकार से नहीं नापा जा सकता, परंतु ये अंदाजे से ही हम इसे ऊपर रखते हैं। परंतु अगर दो क्रमागत यानी कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स का अंतर लिया जाए तो ये नाप कट जाता है। कैसे कटता है? मान लीजिए ये ट्यूनिंग फोर्क y सेंटीमीटर नली से ऊपर रहा, तो पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग होगी 3 लैम्डा बाई 2 प्लस y, और पहली रीडिंग होगी लैम्डा बाई 2 प्लस y, और दोनों का जो अंतर होगा वो फिर उसमें वाई वाई कट जाएगा और लैम्डा बाई 2 ही बच जाएगा और हमें सही रीडिंग मिल जाती है। ये देखिए, इसको चित्र से हम देखते हैं, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क का कांटा ये नली की ओपनिंग यानी ट्यूब की ओपनिंग से लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब ऊपर रहता है जब ये कंपित होता है। हम एकदम नली से इसे सटा नहीं सकते क्योंकि फिर ये कंपित हो ही नहीं पाएगा, कंपन रुक जाएगा, इसलिए इसको नली से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ये जो दूरी है नली से, इसी को हम वाई बता रहे हैं।
अब अगला प्रश्न है कि वायु स्तंभ की एक निश्चित लंबाई पर ही अनुनाद होता है, हर लंबाई पर क्यों नहीं होता? तो इसका भी उत्तर इस प्रकार है। ट्यूनिंग फोर्क से उत्पन्न वायु की परतों के संपीड़न यानी कंप्रेशन नली के जल की सतह से टकराकर वापस ट्यूनिंग फोर्क तक आने में एक निश्चित समय लगता है। तो जो संपीड़न है, जो कंप्रेशन है, उसको कुछ समय लगता है ट्यूनिंग फोर्क से जल की सतह तक जाने के लिए और टकराकर वापस आने के लिए। यह समय वायु स्तंभ की लंबाई पर निर्भर करता है। अगर वायु स्तंभ ज़्यादा लंबा हुआ तो ज़्यादा लंबा समय लेगा वो संपीड़न जाने और आने में। यह समय अवधि ट्यूनिंग फोर्क के कांटे को वापस ऊपर जाने की अवधि के समान हो तभी अनुनाद होगा, अन्यथा नहीं। यानी जब वो संपीड़न जितनी दूर में कांटे से टकराकर और फिर जल की सतह से टकराकर वापस कांटे तक आए, उतनी देर में कांटा वापस ऊपर जाने को भी तैयार रहे। दोनों समय अवधि का समान होना वायु स्तंभ की लंबाई और ट्यूनिंग फोर्क के कांटे के आवर्तकाल पर निर्भर करता है। अतः एक निश्चित आवर्तकाल वाला ट्यूनिंग फोर्क बोलिए या निश्चित फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति वाला ट्यूनिंग फोर्क बोलिए, एक ही बात हुई। एक निश्चित आवर्तकाल वाले ट्यूनिंग फोर्क के साथ एक निश्चित लंबाई वाले वायुस्तंभ में ही अनुनाद यानी रेजोनेंस होगा। इसको चित्र से इस प्रकार समझें, ये संपीड़न है, ये संपीड़न इस कांटे से लगकर जल की सतह तक आ रहा है और वापस यहाँ से टकराकर वापस कांटे तक जा रहा है, तो इसमें कुछ समय लगता है। अब ये समय मैच होना चाहिए कांटा जब अभी नीचे की ओर आ रहा है और जब तक ये संपीड़न ऊपर की ओर जाए कांटा भी ऊपर की ओर जाने लगे। ये दोनों जब मैच होंगे तभी ये संपीड़न इस कांटे को और सहयोग देगा अधिक ऊपर जाने में और तभी अनुनाद होगा। अन्यथा ये अगर उससे पहले ये संपीड़न पहुंच जाए या देरी से पहुंचे तो ये कांटे के कंपन में ये व्यवधान डालेगा, उसको रोकेगा, तब अनुनाद नहीं होगा। इसलिए केवल एक निश्चित अवधि में ही जब संपीड़न पहुंचे, यानी एक इसका अर्थ हुआ एक निश्चित लंबाई के वायुस्तंभ से की यात्रा जब तक ये संपीड़न न करे तब तक ये मैचिंग समय की मैचिंग नहीं होगी और तब तक अनुनाद नहीं होगा। धन्यवाद।